विषय हिंदी। हिंदी में आप लोग को सातवां पाठ है ठे, जिस पाठ का प्रश्नोत्तर करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को एक और प्रश्न लिखवाने जैसे आप लिखिए। प्रश्न को मैं बोर्ड पर लिख एक बार पढ़े ध्यान सुनिए। प्रश्न है, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है, कहानी के किन किन प्रसंग में लाइनों से ऐसा प्रतीत होता है कि सीजन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था, लेकिन मैं काम को ज्यादा महत्व देता था खाने पीने के नहीं। इसका उल्लेख करना है। उत्तर होगा, वह कार्य के लिए व्यक्ति था, वह काम करने में वह अपना कारीगरी का लिए व्यक्ति था, उसमें अच्छे कलाकार के सारे गुण थे, काम में मग्न रहने पर उसे खाने पीने की स्थिति भी नहीं रहती थी। जब अपना सामान बढ़ाने बढ़ जाता था तो भूख प्यास उसकी सब मिल जाती थी नहीं रहती थी। वह अपने काम से ग्राहक का दिल जीतने का सतत प्रयास करता था। वह अपने काम से ऐसा रूप में कलेगरी से लोगों को दिल जीतना चाहता, अच्छा सुंदर शीतल पार्टी और ये बनाता था, जिससे वो अपने ग्राहक का दिल जीतना चाहता था। उसके लिए हमेशा प्रयास करता अच्छा से अच्छा सामान बनाए, ग्राहक हमारे सामान से खुश हो जाए। इन बातों से स्पष्ट होता है कि सीजन का काम को ज़्यादा तरजीह देता था।
इस सब बातों से उसके इस सब गुण से स्पष्ट होता है कि वह खाने पीने के तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था, काम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था, कारीगरी में अपना एक से हुनर दिखाना चाह रहा था, अच्छा सा सामान डिजाइन बनाए जिससे ग्राहक जो है खुश हो जाए और हमारा सामान का डिमांड हो। यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, कुंभन लैब पर या व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी क्वेश्चन भेजा जाए उसे जितना जल्दी हो सके मेरे व्हाट्सएप बनाकर भेज दीजिए। आज का प्रश्न ओके, धन्यवाद।